हम लोगों ने सारी तैयारी की थी कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हम लें, लेकिन क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना था जिसके कारण हम परीक्षा नहीं ले सके। क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए राज्य सरकार के निर्देश पर हम लोगों ने परीक्षा नहीं लेकर क्लास 11 में जो आपको मार्क्स आया था उसके आधार पर हमने रिजल्ट तैयार किया है। अब आप लोगों में से अधिकांश लोगों की ये मन में शंका है कि 11 में तो हम पास थे, 12 में फेल कैसे हो? ठीक है, दूसरा 11 में हमको इतना मार्क्स था किसी खास विषय में, 12 में नंबर बढ़ोतरी नहीं हुआ या वही नंबर रह गए? हम समझा देते हैं सर को, बोलने दो कि किस आधार पर मार्क दिया गया है। ठीक है, और जो पैटर्न हम लोगों ने मार्किंग का रखा है वो पैटर्न राज्य सरकार से अप्रूव करा करके सुप्रीम कोर्ट में भी हम एफिडेविट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि किस आधार पर आप रिजल्ट तैयार करेंगे, तो हमने ये बताया था। अब आधार क्या था आप समझिए, कोई विद्यार्थी है जिसको मान लीजिए 11 में किसी विषय में 18 अंक आया, समझ लीजिए सब आदमी बढ़िया से, 50 में 18 अंक आया, आपको याद है उस समय इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का था। मान लीजिए इंटरनल असेसमेंट में आपको 8 नंबर आया 10 में, ठीक है, तो ओएमआर सीट में कितना नंबर आया होगा? अगर हमको 18 नंबर आया है तो उसमें इंटरनल असेसमेंट में अगर 8 नंबर आया है तो आपका मार्क्स कितना रहा? 10 रहा। कितना में? 50 में। सुनो पहले, 50 में, फिर से सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। और इतना के बाद भी हम आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम आगे क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बताया कि 50 में मान लीजिए 18 नंबर आया था 11 में, ठीक है, उसमें 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट था। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आपके विद्यालय ने आपको इंटरनल असेसमेंट में 8 नंबर दिया, ठीक है, तो 18 में 8 नंबर तो इंटरनल असेसमेंट था, हाँ, तो कितना आपका एक्चुअल नंबर था? 10 था। कितना में? 40 में, क्योंकि 10 तो इंटरनल असेसमेंट चला गया, तो 40 में कितना अंक आया? 10। कितना परसेंटेज हुआ? 40, 25%। ठीक है, 40 में 10 तो 25%। अब 12 में आई, 12 में 70 नंबर थ्योरी है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है, तो वहां 25% आया। 70 का 25% कितना होगा? 17.5 बराबर 18, तो आपके मार्कशीट में क्या आया होगा? 18। अब आप सोच रहे हैं कि जैक गड़बड़ किया है कि 18 हमको 11 में भी था 12 में भी है, लेकिन सुनिए एक एक बात को समझ लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत। दूसरी बात, 11 में जो रिजल्ट हुआ था 5 विषय की परीक्षा हुई थी, अगर कोई 4 विषय में पास था, 1 विषय में अगर फेल भी था तो उसको भी प्रमोट कर दिया गया था, कर दिया गया था, लेकिन किया गया था। करने वाले हम हैं और तुम क्या देते हो? नहीं, 11 में जो 4 विषय में पास था उसको भी प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन 12 में तो 5 विषय का हम मार्क्स देखेंगे, ठीक है,
तो स्थिति यही है। लेकिन आप सबों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि आपका कैरियर खराब नहीं हो, आपका एक वर्ष बर्बाद नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने विचार किया है कि जो भी एक विषय में अगर फेल है तो उसके लिए हम एक मौका देंगे और उसके लिए हम आपकी परीक्षा फीस भी आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपने पहले एक बार पूरा बात सुन लो उसके बाद अपना बात रखना। तो अगर किसी को कोई विषय में अगर गड़बड़ी है तो वह लड़का को हम एक मौका दे रहे हैं फिर से देने के लिए। एक बच्ची बोल रही थी अभी प्रैक्टिकल हमारा नहीं हुआ, हम तुमको भी एक मौका देंगे, सबको हम एक मौका देंगे ताकि किसी का भी वर्ष बर्बाद नहीं हो। अब नियम से सुन लो ना, पहले कंप्लीट होने दो, इसके बाद पहले कंप्लीट होने दो फिर नया सवाल बात करेंगे। अच्छा सब जान रहे होंगे इंटर का रिजल्ट कितना हुआ है, 90% हुआ है, 90% हुआ है रिजल्ट। आर्ट्स में भी क्या हुआ, मैट्रिक में 96% हुआ है रिजल्ट, हुआ है। नियम के तहत ही भी कुछ हो सकता है, उसका भी हम मौका दे रहे हैं, इसका भी मौका देंगे सबको। जो कंप्लीट फेल है सर का कहना है कंप्लीट फेल होगा कोई मौका मिलेगा। अगर आपने को मन सुनना है तो फिर छेड़ देते हैं, तो अगर वो छेड़ देते अभी इतना समझाए इतने समझ समझ में आया, बात तो बताए ना सर कि प्रैक्टिकल और थ्योरी इंटरनल असेसमेंट को हटाओ और उसके बाद नंबर को कैलकुलेट करो, तब कैसे होगा। इंडिविजुअल एप्लीकेशन लिखिए इन द नेम ऑफ चेयरमैन और सेक्रेटरी के नाम से और डायरी सेक्शन में जमा कीजिए, उसकी रिसीविंग ले लीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उसमें हर एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। नहीं मैडम, डिमांड इज नथिंग है, सुनिए मेरी बात को, जो भी डिमांड का डिसीजन है वो माननीय अध्यक्ष महोदय लेंगे। आपका जो भी डिमांड है एप्लीकेशन लिखिए डायरी सेक्शन में दीजिए।